आदाब नाजरीन, मैं माजिद अंसारी। अभी हम मौजूद हैं नालठी पिकनिक स्पॉट, जिसे कहा जाता है नालठी भद्रवा में, जहां पे रात को जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया, जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं, चाहे वो जाई हो, चाहे वो पदरी हो, चाहे वो गुलडंडा हो, चाहे वो नालठी हो, कहीं भी जो भी पिकनिक स्पॉट्स हैं, जो भी पार्क्स हैं टूरिज़्म की तरफ से, उन सबको सील किया जाए। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो थी कि बाहर से जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, उसमें जो है कोई किसी का जो है टेस्ट हुआ होता है, किसी का नहीं हुआ होता है, और अभी जो है ग्राफ जो है भद्रवाह में जो पॉजिटिव का वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ रहा है। इसकी वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप लिया है, काफ़ी अच्छा स्टेप है, जिसमें अभी हमारे जो हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो भी अभी जुड़ चुके हैं, टेस्टिंग भी कर रहा है, उसके साथ साथ लोगों के जो है उनको रोक भी रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं, साथ में पुलिस भी है, हमारे नोडल ऑफिसर्स जो हैं साहिबान हैं वो भी अभी लगे हुए हैं इसमें, कि जितनी भी कोशिश हो कि लोगों को रोका जाए बाहर निकलने से और जो पिकनिक स्पॉट्स हैं वहाँ पर जाने से रोका जाए। देखो, ये एक्चुअली एक वो ऑर्डर नहीं है, वो थोड़ा सा मिसकंसेप्ट है लोगों को। हुआ एक्चुअली ये है कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो हमारी यूटी की गवर्नमेंट है, उसके बाद उसी डायरेक्शन जो गवर्नमेंट की आती हैं उसकी डायरेक्शन के बेस पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा ने ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं बेजाफ्ता के हर वीकेंड पे जो है कोरोना कर्फ्यू होगा। उसके अलावा जो पिकनिक स्पॉट्स हैं वो भी बंद किए हुए हैं फिलहाल गवर्नमेंट ने, लेकिन वीकेंड जो कोरोना कर्फ्यू है उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने वो कोई एक ऑर्डर इशू नहीं किया है, मैंने खाली उनको बताया हुआ है कि उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए नाकों को जरा स्ट्रिक्टली काम करवाया जाए, ताकि कोई लोग वहाँ से लोग ना जा पाएँ। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की डायरेक्शंस यही हैं कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं केसेस कम आने से कोरोना ख़त्म नहीं होता है, तो अभी उसकी जो कोरोना का कहर है वो अभी जारी ही है। केसेस कम बेशक हुए हैं लेकिन वायरस कहीं गया नहीं है अभी। तो अगर लोग इसी तरह से अनस्टॉप चले जाएंगे हर जगह पे, तो उसको फैलने के ज़्यादा डर हैं, क्योंकि लोग बाहर से भी आ रहे हैं, जम्मू से भी आते हैं, हर जगह से आते हैं। तो लोगों को की सेफ्टी के लिए ही गवर्नमेंट ने ये मेजर्स किए हुए हैं और उसको हम स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, बाकी नया हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने जगह जगह पर जो नाके लगाए हुए हैं उस वहाँ पर मजिस्ट्रेट भी लगाए हुए हैं, पुलिस भी लगाई हुई है, ताकि कोई भी जो है अनवांटेड जो है मूवमेंट यहाँ पर ना हो पाए। टेस्टिंग के हवाले से एक बात कहना मैं बड़ा अहम समझूंगा कि एक साल से मैं एज ए नोडल ऑफिसर हेल्थ वर्कर्स के साथ हूं, फ्रंटलाइन वर्कर के साथ हूं, अंडर द एबल कमांड ऑफ एडीसी भद्रवा और ओवरऑल सुपरविजन ऑफ डीसी डोडा। मैंने देखा है कि जो कोरोना वॉरियर्स, जो रियल में कोरोना वॉरियर्स होते हैं, वह हेल्थ वर्कर्स ही हैं, जिनमें हमारे बीएमओ साहब का नाम सर फहरिस्त है, उसके बाद जितना भी हेल्थ वर्कर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे जितने जहाँ भी हेल्थ बूथ ये लगते हैं,
उनका भी अहम रोल है, लेकिन सबसे अहम रोल जो ज़्यादा ऑन ग्राउंड जो मैंने देखा है ये नासिर खतीब साहब का रोल है, जिनको अप्रिसिएशन भी मिली है एलजी ऑनरेबल एलजी की तरफ से। उसके बाद बलविंदर सिंह जी, इनको भी मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, अपनी तरफ से मैं रिकमेंड कर देता हूँ कि एलजी ऑनरेबल एलजी की तरफ से इनको रिकमेंडेशन मिले। ये दे सुबह से शाम तक ऑन टोज एंड एट हील्स होते हैं और ग्रॉस लेवल पर सैम्पलिंग करते हैं, विग्रस सैम्पलिंग करते हैं, और यही वजह है कि आज की डेट में अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा में सैम्पलिंग का जो ग्रोथ है हायर लेवल पे, तो वो इन्हीं की मेहनत का नतीजा है। अब रहा सवाल, आपने जो अभी कहा कि आज वीकेंड पे क्या है, वीकेंड पे हमें डायरेक्शन दी गई है कि अपार्ट फ्रॉम स्टॉपिंग द व्हीकल्स टू द डेस्टिनेशंस, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जा रहा है उसके अलावा आपने सैम्पलिंग भी करनी है। तो अभी तक का जो आप हमसे इस वक्त पूछ रहे हैं, तो अभी तक हमने 30 सैंपल्स लिफ्ट किए, ड्रा किए हैं और उनका ऑलमोस्ट रिजल्ट भी अच्छा है, अभी तक सब सारे नेगेटिव हैं। दिस इज़ ए गुड जेस्चर और अच्छा पैगाम है, ये इन्हीं की मेहनत और काबिशों का नतीजा है कि अभी तक जितनी भी, मैं बारह बार कह चुका हूँ कि टेस्टिंग, कोरोना इज़ नॉट डेंजरस, डिले इन टेस्टिंग एंड डिले इन वैक्सीनेशन इज़ डेंजरस। तो हमने यहाँ प्रॉपर जितना भी एरिया है, ये आप देख रहे हैं सराउंडिंग्स में, टेस्टिंग भी कंप्लीट की है 85% से 90%, और वैक्सीनेशन भी कर दी है तकरीबन 98%।